the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so we are talking about ashwagandha ashwagandha sunahoga apne. ये भाई साहब बोला जाता है आयुर्वेदा में और बहुत सारे वेदास में कि अश्वगंधा यानी घोड़े के जैसे आप में ताकत लाने वाली ये दवा है घोड़े की जैसे बहुत पावरफुल चीज़ है अश्वगंधा और बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है ये बहुत सारे वेदा में और एक्चुअली इफ़ेक्टिव मानी जाती है तो ये क्या है ये अश्वगंधा एक प्लांट है आज जो बातचीत हो रही है ये टोटली रिसर्च बेस्ड है रिसर्च इन सेंस जो मेडिकल रिसर्च होती है वो हो चुकी है अश्वगंधा पे उसमें कितनी प्रूफ हुआ है कितना प्रूफ होना बाकी है हो सकता है फ्यूचर में इससे ज़्यादा प्रूफ हो जाए क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है काफ़ी सारी बीमारियों को हेल्प करने का लेकिन ऑब्वियसली ही चीज़ें हैं कुछ बीमारियों में ज़्यादा हेल्पफुल है कुछ में कम है कुछ मैकेनिज्म समझना है सो so, ये क्या है ये एक प्लांट है ये एक पौधा है जिसका जिसके कि जड़ और उसके जो बेरीज़ हैं जो उसके फ्रूट आते हैं वो भी यूज होते हैं आपके दवा बनाने में अश्वगंधा के बहुत सारे इस्तेमाल हैं और फार so आप ये बात कर सकते हैं देर अभी फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है रिसर्च uh, वर्क इसके ऊपर इतने रिसर्च नहीं हुए हैं कि जज करें कि ये सारी सारे यूज़ेस जितने इसके होते हैं उसमें इफेक्टिव है कि नहीं कायदे से अश्वगंधा को इतने जगह यूज़ कर रखा है कर रहे हैं लोग आर्थराइटिस uh, में एनजाइटी के लिए डिप्रेशन में बाइपोलर डिजॉर्डर अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर बैलेंस प्रॉब्लम ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर नींद नहीं आती है, सोमनिया ट्यूमर के लिए कैंसर के लिए ट्यूबर के लिए अस्थमा के लिए कोई स्किन कंडीशन है जैसे ल्यूकोडर्मा विटी वाइट पैचेज ब्रोंकाइटिस के लिए पीठ में दर्द के लिए फाइब्रोमायल्जिया के लिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए हिचकी हिकअप्स के लिए पार्किसन डिजीज के लिए दिमाग की बीमारी के लिए थायराइड प्रॉब्लम के लिए लिवर के क्रोनिक लिवर डिजीजेस के लिए बहुत सारे और इवन दूसरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए भी यूज़ होता है अश्वगंधा कैंसर और शिजोफ्रेनिया जैसी दिमाग की और पूरी बॉडी की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अश्वगंधा और इसमें लिटरली ब्लड के अंदर फैट और शुगर दोनों कम करने की क्षमता है पतले करने की भी क्षमता है शुगर कंट्रोल करने की भी क्षमता है यस क्यों इट इज बेसिकली यूज एज अ अडेप्टोजन अडेप्टोजन मीन्स ये आपकी बॉडी को कोई भी जो स्ट्रेस है उसको कोप करने उसके साथ कोप करने एडजस्ट करने में हेल्प करता है डेली स्ट्रेस इट्स लूज एज अ जनरल टॉनिक जनरल टॉनिक राइट कई लोग अपनी थॉट प्रोसेस अपने ब्रेन पावर थिंकिंग एबिलिटी अपना इसके लिए भी यूज़ करते हैं पेन कम करने के लिए सूजन कम करने के लिए कई लोग उसको उम्र कम करने के लिए एजिंग के लिए कम यूज़ करते हैं और कई लोग फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूज़ करते हैं फीमेल वूमेन सेक्शुअल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं स्किन पे, बैक पे दर्द हो रहा है उस पर अप्लाई किया जा सकता है अश्वगंधा बेसिकली इसमें जो वर्ड है अश्व अश्व मीन्स हॉर्स और गंधा मीन्स स्मेल सो इसकी जो रूट है इसके जो जड़ है उससे हॉर्स के जैसे घोड़े की जैसी स्मेल आती है तो बोला जाता है कि घोड़े की जैसी ताकत देने वाली चीज़ है ये हर जगह इंडियन आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन में यूज होते हैं इसको इंग्लिश नेम है इसका इंडियन जेंसिंग इंडियन जेंसिंग और जैसे हमने कहा बहुत सारी बीमारियों में यूज होती है तो हाउ इफेक्टिव इज इट एग्जैक्टली सो देखिए ये जो इफेक्टिवनेस है इसको रेट हम अगर करेंगे ना तो कायदे से ऐसी जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं या जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं इनको रेट किया गया है अब तक के रिसर्च के बेसिस पे कि ये पॉसिबली किस किस चीज में इफेक्टिव है पॉसिबली इफेक्टिव है और एक होता है इनसफिशियंट एविडेंस एविडेंस नहीं है कि हम यह बोल सकें कि हाँ इसके लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हो हंड्रेड परसेंट सो इनसफिशियंट एविडेंस और पॉसिबली इफेक्टिव में इसको डाला जाता है और दूसरा आता है कि डज नॉट वर्क कुछ चीजों में सो so, जितनी सारी चीजें हैं हमारे पास राइट right? जितनी सारी चीजें हमने अभी बोली हैं बीमारियां जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट दूसरी दवाइयों के साइड इफेक्ट कम करना और uh... एन्जाइटी के लिए कुछ रिसर्च वर्क ने बताया है कि एनजाइटी में एग्जैक्टली exactly काम आ रहा है ए डी एच डी अटेंशन डेफिशियंट बाईपोलर डिसऑर्डर्स में कई रिसर्च वर्क में आठ वीक के ट्रायल्स में देखा गया है कि भाई हाँ ये हेल्पफुल है ब्रेन कंडीशन जैसे अटैक्सिया जैसी प्रॉब्लम फटीक जैसी प्रॉब्लम कैंसर के जैसा कीमोथेरेपी इन सब में भी देखा गया है कि हाँ भाई लग रहा है कि ये इसमें भी अच्छा काम कर रहा है फटीक में डायबिटीज में देर इज सम एविडेंस की इट माइट रिड्यूस शुगर कोलेस्ट्रॉल में देर इज सम एविडेंस कि हाँ

कुछ जगहों पे जब जिंक और कुछ टर्मरिक कुर्कोमिन के कॉम्प्लेक्स के साथ लिया तो इन्फ्लामेशन कम हुआ आर्थराइटिस के सिम्टम्स कम होते हुए देखे गए वैसे ही ओप ऑप्सेसिव कम्पल्सिव डिजॉर्डर शीसोफ्रेनिया बाइपोलर डिजॉर्डर या पार्किसन डिजीज जैसे दिमागी बीमारियों में भी इफ़ेक्ट देखा गया और रूमेटॉयड आर्थराइटिस में इफेक्ट देखा गया कि यस इट इम्प्रूव सम सिम्टम्स इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स देखे गए और एक सेक्स में इंटरेस्ट देखा गया इंक्रीज इन सेक्स इंटरेस्ट इन सेक्स देखा गया इम्यून सिस्टम फाइब्रोमाजी या लिवर प्रॉब्लम स्वेलिंग ट्यूमर इन सब में थोड़ा थोड़ा एविडेंस आया कि इट माइट बी इफेक्टिव राइट, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें डेफिनेटली इफेक्टिव है वो है स्ट्रेस डेफिनेटली इफेक्टिव है स्ट्रेस <coughs> में तो इंप्रूव होता ही और ये जितनी सारी बीमारियां हैं ये जितनी सारी बीमारियां इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर स्ट्रेस तो है स्ट्रेस तो है ही तो टेकिंग अश्वगंधा अगर आप 300-400 मिलीग्राम दिन में दो बार लेते हैं खाना खाने के बाद 60 दिन के लिए 60 दिनों के लिए तो ये देखा गया है कि देर इज इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस तो स्ट्रेस में क्रोनिक स्ट्रेस जिसको होता है उसको सारी बीमारियां हो सकती है और बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो सकता है सो so, अश्वगंधा लेते हुए स्ट्रेस कम होगा तो इतनी सारी बीमारियां जितने बीमारियों की वजह से स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस कम होता है तो बीमारियां भी कुछ हद तक कम होती हैं लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो जाएंगी सिर्फ अश्वगंधा से कोई भी इनमें से कोई भी, भी बीमारी अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि जड़ से खत्म अश्वगंधा लिया ट्रीटमेंट तो अश्वगंधा इज अ अडेप्टोजन अश्वगंधा इज अ जनरल टॉनिक फॉर ऑल दीज थिंग्स ये आपका स्ट्रेस कम होगा हाउ इट वर्क्स इट माइट हेल्प बाय कामिंग इट मे इसमें कुछ केमिकल्स हैं वो हेल्प करते हैं ब्रेन को रिलैक्स करने में सूजन को कम करने में इंफ्लामेशन को कम करने में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है ब्लड प्रेशर कम करते हैं इम्यून सिस्टम को रिलैक्स करते हैं तो इसलिए जितनी ऑटो इम्यून डिजीज आर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है सो यस ऑटो इम्यून डिजीज में रिलैक्सेशन मिलता है चीज से सो so, इतनी बात क्लियर है कि ये इस तरह से एक्ट करता है आर दे सेफ क्या ये सेफ safe है सेफ्टी कंसर्न पॉसिबली इसमें सेफ्टी देखी गई है कि हां ब्लड प्रेशर में लॉन्ग टर्म केसेस का तो अभी चल रहा है रिसर्च लेकिन टेक्निकली अश्वगंधा इज नोन टू बी सेफ लार्ज डोजेस अगर एकदम से बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में ले लोगे तभी वो पेट को थोड़ी खराबी कर सकता है जैसे कि वॉमिटिंग डायरिया या पेट अपसेट कर सकता है बर ज्यादातर केसेस में ये सेफ है डायबिटीज में अश्वगंधा से बीपी लो हो सकता है तो शुगर लो ना हो जाए इसका ध्यान दें ब्लड प्रेशर सॉ डायबिटीज़ में शुगर लो हो सकता है तो वो ध्यान दें कि शुगर कंट्रोल चेक करें बीपी में बीपी लो हो सकता है तो ध्यान रखें कि भी बीपी की दवा कम रखें या चेक रेगुलर करें स्टमक अल्सर को इरीटेट कर सकता है अश्वगंधा तो अगर आपको अल्सर है तो ध्यान से इस्तेमाल करें ऑटो इम्यून डिजीजेज में अश्वगंधा इम्यून सिस्टम को कभी कभी कुछ केसेस में एक्टिव करते हुए भी दिखा है किसी में कम कर देता है किसी में हेल्प कर देता है किसी में अगेंस्ट चला जाता है सो इसीलिए कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है so जैसे सिस्टमिक ल्यूपस मल्टीपल्सिस ऐसे केसेस में बात बिगड़ भी सकती है तो अगर बिगड़ रही है अगर आपकी किस्मत अच्छी है अच्छा हो रहा है तो देन गुड नहीं बिगड़ रही है तो दिक्कत कर सकते हैं अश्वगंधा स्ट्रेस के ऊपर डेफिनेटली काम करता है और कुछ जगहों पे उसका इंटरेक्शन देखा गया है सो so, डायबिटीज़ की दवा पे ब्लड प्रेशर की दवा पे इम्यून सिस्टम वाली दवा पे सेडेटिव्स पे दिमागी दवाओं के साथ थायराइड की दवाओं के साथ इंट्रेक्शन्स हैं और कुछ हर्ब के साथ इंट्रैक्शन है हर्ब्स भी ऐसी रखते हैं तो याद रखिए डोसेज क्या लेना है अश्वगंधा का अश्वगंधा आप तीन मिलीग्राम से चार सौ मिलीग्राम तक तीन सौ मिलीग्राम दिन में दो बार ले सकते हैं कोई ढाई सौ के सावा भी आती है कोई तीन सौ के हिसाब से आती है तो ये होती है आपके अश्वांधा के बारे में जो अब तक की मेडिकल जानकारी है आगे और भी जानकारी आएगी और भी जानकारी से हमें और अच्छा नॉलेज मिल सकती है कि दिक्कत क्या है अश्वगंधा मतलब कितना इफेक्टिव है सो so, आगे के रिसर्च के लिए हम बिल्कुल वेट करेंगे और आगे रिसर्च अगर कुछ और स्पेशल दिखाएगी तो हम अश्वगंधा पे और एक वीडियो बनाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट अश्वगंधा थैंक यू सो मच डू आस्क योर क्वेश्चन एंड शेयर द वीडियो